हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बेंच वॉचर। मैं हूं सिद्धांत और आज हम रिव्यू करेंगे एमएक्स ओरिजिनल पर रिलीज आश्रम। दोस्तों, जब आप पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, पुलिसिंग और सोशल इश्यूज वाली मूवीज के प्लॉट में होते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप प्रकाश झा की टेरिटरी में। आश्रम को देख के भी आपको ये साफ साफ फील होगा। प्रकाश झा जो इसके प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी, उन्होंने इस वेब सीरीज में सोशल इशू और रिलीजन को रिलेटेड जो लोगों ने धर्म का धंधा बना रखा है, धर्म का गोरख धंधा, इसके बारे में इसमें बताया गया। वैसे ही प्रकाश झा जो है वो सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड मूवी या कंटेंट बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। अब जैसे उनकी जो मूवीज है उसमें स्मॉल टाउन पीपल्स जो होते हैं, उनकी दिक्कतें जो होती हैं, उन्हें जो दबाया जाता है, वो सब चीज़ें काफ़ी बहुत हद तक साफ साफ दिखाई जाती हैं। मतलब एक तरीके से समाज का आईना वो दिखाते हैं। अब चाहे उनकी 1997 में आई हुई मृत्युदंड मूवी को देखें, वो जेंडर वायलेंस को रिलेटेड थी, या फिर उनकी 2005 में आई हुई अपहरण को देखें, वो किडनैपिंग माफिया को रिलेटेड थी जो बिहार में चलता है, या फिर गंगा जल जैसी मूवी को देख लें जो पुलिस और पॉलिटिशियंस की मिली भगत को लेकर रिलेटेड। प्रकाश था पहले ऐसे फर्स्ट मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर हैं जिन्होंने ये सोशल इशू को लेकर कंटेंट बनाना शुरू। इस लेगेसी को अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा ने ट्रेंड में बनाया। आश्रम वेब सीरीज प्रकाश झा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू है और उन्होंने इस वेब सीरीज का पूरा फायदा उठाया कि मतलब जो कहानी कहने के लिए वेब सीरीज में जो लेंथ की जरूरत होती है उस लेंथ को उन्होंने पूरी तरह से यूज किया गया है। वो कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं पर खाली पन है, पूरा का प्लॉट सधा का सधा। उन्होंने इस वेब सीरीज में अंधभक्ति जो होती है उसे दिखाया गया है, बाबा की जो पावर है उसे दिखाया गया है, जो समाज की जो फॉल्टीनेस है, समाज में जो गंदगी है, उस सबको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इसे एक तरीके से आप पाताल लोक प्लस कह सकते हैं। और इसमें ये दिखाया गया है कि क्राइम वर्ल्ड का जो आश्रम में जो क्राइम वर्ल्ड होता है वो सही से बनप भी नहीं पाता, मतलब सही से डायरेक्शन भी नहीं हो पाता, वहीं पर एंट्री हो जाती है पॉलिटिकल पावर की, सत्ता की भूख की। जो एक वहाँ पे दिखाया गया है कि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है वो वापस अपनी सत्ता में जाना चाहता है, और सत्ता में आने के लिए वो आश्रम को पैसे देता है, आश्रम वालों से कहता है कि वो सीटें, क्योंकि उसे मालूम है कि आश्रम के अंधभक्त हैं और जहां बाबा कहेंगे वहां वो वोट डालेंगे। दिखाया गया है जो आश्रम होते हैं वो पॉलिटिशियंस के फंड पे भी चलते हैं, और किस तरीके से पॉलिटिशियंस बाबा लोग के जो गोरख धंधे और बैक साइड होते हैं कवर अप करने में हेल्प करते हैं। इसमें एक मेन जो आश्रम में जो मेन लीडर बॉबी देओल के असिस्टेंट है चंदन सहनियाल, वो एक बीच में ये भी कहते हुए कि हमारे देश में भक्ति इज्जत पर सबसे ज़्यादा कमजोरों और गरीबों को, और ये दिखाता है कि बाबा लोगों की क्या मेंटेलिटी होती है कि वो गरीबों को या फिर दलित लोगों को। मतलब इसमें एक इंसिडेंट दिखाया गया है कि पहले क्या होता है, मतलब दलित जो लोग होते हैं वो दबके रहते हैं, और वही बड़े मोहल्ले जहाँ पे जनरल कास्ट वाले लोग रहते हैं वहाँ से निकलने होते हैं, मारपिटाई हो जाती है तो बाबा निकल के आ जाते हैं वहाँ पे, और उसके घर में दलितों का सपोर्ट करते हैं, और वहीं पे उन लोग को अपर कास्ट वाले होते हैं उन लोगों को डरा धमका देते हैं, उनकी ज़मीनें हड़प नहीं। तो एक तरीके से ये भी दिखाया गया है कि जो गरीब और जो लोअर कास्ट पीपल है वो हमेशा से हमारे देश में सिर्फ राजनीति करने के लिए, उनका कभी भी डेवलपमेंट नहीं होता, उनके वो खाली उनके वोट बैंक होते हैं और उनके ऊपर ही राजनीति करते हैं। उसके इस इंसिडेंट के बाद से दलितों का उनके ऊपर बहुत विश्वास हो जाता है। यहाँ तक ऊपर जो उनके बॉबी देओल का जो असिस्टेंट दिखाया गया है वो ये भी कहता है कि हमारे देश में जब लोग विश्वास करने पे आते हैं तो एकदम बाढ़ सी आ जाती है। मतलब ये है कि मतलब एक फ्लो चलना चाहिए कि एक बाबा के पीछे सब कुछ चले, लोग मतलब पागल हुए जा रहे हैं, मतलब लोगों को बाढ़ उन्हें उन्हें अगर बाबा के अगेंस्ट में थोड़ी सी बात बता दी, बाबा की कोई सच्चाई भी उजागर करने की कोशिश करे तो वो भी उन लोग को नहीं देखता है। इसी ऐसी मुझे एक 2017 का एक इंसिडेंट याद आ गया। 2017 में भी एक बाबा को रिलेटेड एक ऐसी इंसिडेंट हुआ था हरियाणा के आसपास के रीजन में, तो वो इस मूवी इस वेब सीरीज को देखने के बाद काफ़ी मतलब लगता कि हाँ ये उससे थोड़ा सा इंस्पायर्ड है। जो आश्रम जो है इसमें खाली रिलीजियस फेथ को लेकर नहीं है, यहाँ पे लोगों को बाबा पे हर परेशानी के लिए फेथ है। मतलब वो जो भी चाहते हैं, मतलब उन्हें कोई परेशानी होती बाबा के पास जाएंगे बाबा आते हैं, वो मतलब दिखाया गया है कि बाबा जाने सबके मन की बात, और सब लोगों को मतलब जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग नमस्ते वगैरह करते हैं तो सब वहाँ पे जप नाम या बाबा जी की जय ये सभी बोलते हुए आते हैं। इसका जो प्लॉट है वो बहुत ही बिजी प्लॉट था कि मतलब कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगता कि यार यहाँ बहुत बोरिंग होता है, छूटता वश लगता है। इसके लिए जो इसके स्क्रीन पे राइटर हैं कुलदीप रोहिल, में उन्हें बहुत मुबारकबाद, और स्क्रीन पे भी इस तरह से रहा कि इसमें तो बहुत वाइड वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स हैं, और कैरेक्टर्स जो हैं जगह जगह पे अपने आप ही पॉपअप होकर आते हैं, और जब वो भी आते हैं तो उनका भी मतलब कैरेक्टर्स बहुत दमदार कैरेक्टर इसमें लाए गए हैं। सपोर्टिंग कास्ट और जो लीड एक्टर हैं इसमें जैसे बॉबी देओल हैं, अदिति पोंकार है, दर्शन कुमार हैं, अनुप्रिया गोयनका हैं, चंदन सहनियाल, इस तरह के बहुत से इसमें एक्टर जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं वो काफ़ी देखने को मिले, बहुत अच्छे। वो बात करते हैं एक्टिंग, बॉबी देओल की एक्टिंग भी इसमें काफ़ी हद तक
मतलब उन्होंने एक जो बाबा का जो रोल होता है जब वो पब्लिक के सामने जाता है, बहुत ही सॉफ्ट टॉक करना, बहुत ही मतलब मिनिमल टॉक करना है, बहुत ही आराम से बताना है, या फिर लोगों को ये कहना कि मैं उपदेश नहीं संदेश देता हूँ, ये सब बातें उन्हें बहुत लगती हैं। हाँ बस ये है कि हाँ बॉबी देओल, अपने बॉबी देओल वाले करेक्टर में बाबा की कंपेरिजन में देखा जाए तो पंकज त्रिपाठी का बाबा वाला करेक्टर काफी अच्छा है, पर वही बात है कि बॉबी देओल पंकज त्रिपाठी तो नहीं है, और बाकी जितने भी सपोर्टिंग कास्ट है उनका बहुत अच्छा इसमें रोल रहा है। इस पूरी वेब सीरीज में सरप्राइज एलिमेंट की तरह आते हैं अर्जुन सुमन, अर्जुन सुमन का एक रॉक स्टार वाला है, जैसे बाबा सपोर्ट मांगते हैं कि भाई वो यूथ के बीच में फेमस हुए हैं तो वो मना कर देता है, तो उसे बाबा उसे ड्रग्स के मामले में फंसा देते हैं कि वो ड्रग ही है और इस तरह के। तो बात ये देखो उसमें एक चीज ये दिखाई गई है वेब सीरीज में कि बाबा के जो भक्त हैं उसके आसपास के प्रांत की 20 सीटें बाबा के पास हैं, और उनके हर महकमे में चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो सब जगह उनके बंदे हैं और हर जगह उनकी ही चल। प्रकाश झा ने इस पूरी वेब सीरीज को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है, मतलब प्रकाश झा ने इस वेब सीरीज को बहुत ही अच्छे मतलब एक सीक्वेंस में दिखाया गया है, मतलब पहला जो एपिसोड है उसका पहले एपिसोड का नाम होता है प्राण प्रतिष्ठा, तो इसमें दिखाया गया है कि मतलब कैसे प्लॉट बनता है, और आखिरी जो एपिसोड इसका है जो 8वां एपिसोड है उसका नाम है शुद्धिकरण, तो बिल्कुल एक स्टेज वाइज उसमें प्रोसेस चलते हुए दिखाया गया है। और लास्ट में जब इसका टीजर दिखाते हैं सीजन 2 वो भी बहुत कमाल का है, दिखाते हैं कैसे अप्स एंड डाउन, किस तरह से चीजें निकलती हैं, अदिति फोंकार जो इसमें अभी तक दबी दबी सी लगती हैं, मतलब उनका मेन लीड है पर दबी दबी से दिखती है, उनका कैसे रोल जो करेक्टर है सामने निकल के आएगा तो काफी चीजें से पता चलती हैं, तो उसे टीजर को देख के लगता है कि जिसका अच्छा जितना अच्छा सीजन 1 है उससे कई ज्यादा सीजन 2 होगा, कहानी और तेजी पकड़ेगी। तो आप इस हफ्ते अपना टाइम MX ओरिजिनल पे लगा सकते हैं और देख सकते हैं आश्रम के 8 सीजन 1, और सीजन 2 भी जल्दी ही आने वाला है क्योंकि टीजर रिलीज कर दिया गया है, तो इसका मतलब प्रकाश जल्दी ही लाएंगे, लोगों को ज्यादा वेट नहीं करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको आश्रम सीरीज कैसे लगी उसे देखने के बाद में। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल है किशोर.सिद्धांत। तब तक के लिए द बेंच वॉचर साइनिंग ऑफ।